नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सम्मेलन का आयोजन शुरू, कोविड-19 पर चीन को घेरने की तैयारी। G20 के सदस्य देशों ने की वर्चुअल बैठक, कोविड-19 से निपटने के ठोस कदम पर हुई चर्चा। और कोविड-19 को लेकर NBFC ने RBI से अतिरिक्त निकासी की मांगी अनुमति। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सम्मेलन का आयोजन 18 और 19 मई को जिनेवा में किया जा रहा है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच के लिए प्रस्ताव यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 अन्य देशों द्वारा पेश किया गया। इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने मांग किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ संयुक्त रूप से उन स्रोतों की जाँच करें कि कोविड-19 मनुष्य के संपर्क में कैसे आया। वहीं भारत ने मार्च में ही G20 शिखर सम्मेलन पर अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ ही सुधार की भी आवश्यकता है। कोविड-19 पर मसौदा प्रस्ताव पेश करने का प्रमुख कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने दायित्व निर्वहन के सही तरीके से नहीं करना बताया जा रहा है। वर्ष 2017 में चीन के सहायता से ही एंड्रॉस एडनॉम को विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 से संबंधित सही तथ्यों को विश्व समुदाय से छिपाया और चीन के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया, जिसके चलते कोरोना एक वैश्विक महामारी बन गया है। आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य सभा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, जिससे प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हर वर्ष होती है और जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाता है। हाल ही में G20 देशों की वर्चुअल व्यापार और मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस मीटिंग का प्रयोजन कोविड-19 महामारी के संदर्भ में तत्काल ठोस कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने और दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना था। भारत की ओर से मीटिंग में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। भारत ने इस सम्मेलन के माध्यम से G20 देशों से कोविड-19 महामारी के लिए आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों की सस्ती कीमतों तक पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। आपको बताते चलें कि इस संकट से निपटने के लिए भारत द्वारा 120 से अधिक देशों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि G20 देशों का 20 देशों का कुल समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, रूस, जापान, इटली, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। आपको बताते चलें कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। यह समूह अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए मंच प्रदान करता है। हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने RBI से आग्रह किया है कि कोविड-19 संकट से संभावित नुकसान के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु RBI से निकासी की अनुमति दे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एक प्रकार की वित्तीय संस्था होती हैं, जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वह बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। NBFC के कार्य का नियमन देश के बैंकिंग रेगुलेशन के तहत किया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। RBI NBFC का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत करता है। ध्यान दीजिएगा कि NBFC ऋण, साख, बचत और निवेश उत्पाद इत्यादि प्रदान करते हैं और साथ ही धन हस्तांतरण सेवाएं भी देते हैं, लेकिन बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते। NBFC देश के भुगतान और निपटान का हिस्सा नहीं है, इसलिए वे ग्राहकों को चेक की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते।
वित्त उद्योग विकास परिषद ने बताया कि सामान्य तौर पर चूक की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और चूक से हुए नुकसान यानी लॉस गिवन डिफॉल्ट के अनुसार गणना किए गए प्रावधानों के अधिक होने से एनबीएफसी को अपने आरबीआई से निकासी करने और अतिरिक्त अपेक्षित क्रेडिट घाटे यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की आवश्यकता को समायोजित करने की अनुमति देने के लिए निवेदन किया है। आपको बता दें कि अपेक्षित क्रेडिट डाटा वित्तीय साधन के अपेक्षित समय पर क्रेडिट घाटे की संभावना भारित अनुमान को दर्शाता है, जबकि चूक की संभावना का मतलब वह संभावना है कि एक उधारकर्ता अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होगा। इसके अलावा चूक से हुए नुकसान का आशय उस राशि से है जो एक बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्था खो देता है। इसे जब कोई उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है तो डिफॉल्ट के समय कुछ जोखिम के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। सभी गैर वित्तीय कंपनियों को भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वित्तीय कंपनियों को सलाह दिया है कि इस महामारी के कारण उधारकर्ता या देनदारों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ चूक की संभावना और चूक से हुए नुकसान के रूप में पोर्टफोलियो गुणवत्ता पर कोविड 19 प्रभाव को मापने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण नियामक कार्यवाही आवश्यक है। गौरतलब है कि एनबीएफसी बैंकिंग प्रणाली से बाहर उपभोक्ताओं की विविध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए देश के समावेशी विकास में और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त नवोन्मेषी वित्तीय सेवाएं देने में अक्सर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड्स और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही वाणिज्यिक पत्र और ऋण पत्र के माध्यम से एनबीएफसी का सबसे बड़ा वित्त प्रदाता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के न्याय योजना के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से ही देश भर में न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत धान, मक्का व गन्ना जैसी खरीफ की फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में ही जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट आवंटित किए हैं। श्री बघेल ने कहा, यह योजना दूरगामी परिणाम देने वाली है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF द्वारा चैलेंज कोविड 19 नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की मुख्य वजह कोविड 19 से जुड़े नए तकनीक और विज्ञान आधारित इनोवेशन की पहचान करना था, जिसका प्रयोग भविष्य में इस बीमारी के विरुद्ध किया जा सके। यह अभियान 31 मार्च से 10 मई के बीच चलाया गया, जिसमें NIF का कार्य नए विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना और प्रचार प्रसार के लिए परामर्श सहायता उपलब्ध करना था। इस अभियान के तहत तेलंगाना के मुप्पा राजू ने हाथ धोने और सैनिटाइज करने के लिए पैर से संचालित किया जाने वाला एक उपकरण डिजाइन किया है। इस उपकरण की विशेषता ये है कि यह 30 फीट की दूरी और 15 फीट की ऊंचाई तक के सड़कों और दीवारों को सैनिटाइज करने में सक्षम है। बांग्लादेश की एक मेडिकल टीम ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस दवा को लेकर रिसर्च की, जिसमें टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने कहा कि हमने पहले से मौजूद दो दवाओं आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लाइन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। इस दवा का परीक्षण 60 मरीजों पर किया गया, जिसमें सारे मरीज स्वस्थ हो गए। यह दवा इतनी प्रभावी रही कि बीमार मरीज 4 दिन में ठीक हो गए, जबकि आधे लक्षण 3 दिन में ही गायब हो गए। डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम ने कहा कि दवा के प्रभावी होने को लेकर उनको 100% उम्मीद है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साधारण जनता के मध्य डेंगू के विषय में जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि डेंगू के वायरस का वाहक एडीज एजिप्ट मच्छर होता है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास में संग्रहालयों की भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा किया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मुख्य विषय समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश यानी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन 1977 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया, चूंकि इसी दिन वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में नेपाल के साथ लगती है। वर्ष 1947 तक सिक्किम पर चोंग्याल का शासन था, लेकिन आज़ादी के बाद सिक्किम के रक्षा, विदेश और संचार संबंधी मामले भारत सरकार ने संभाल लिए। लेकिन वर्ष 1974 सिक्किम द्वारा भारत में सम्मिलित होने के लिए इच्छा जाहिर की गई। भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इससे सिक्किम के लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा वर्ष 1975 में सिक्किम के लोगों ने एक जनमत संग्रह में चोंग्याल शासन के खिलाफ मतदान किया और इसी वर्ष 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।